उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शारदा सागर डैम के किनारे लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों का जीवन नरक बना है। जहां एक और फसल नहीं बचा पा रहे हैं ग्रामीण, वहीं खर्चा वसूलने का नोटिस जारी करने से ग्रामीणों के माथे पर बड़ी चिंता। वहीं लगभग 50 वर्षों के बाद बनी अब तक की भयानक स्थिति है। पीड़ितों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। बच्चों का स्कूल जाना, घर से बाहर निकलना हुआ दूभर तथा शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी लटक गए हैं। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम की पटरी और खाली जीवन पर जमीन पर लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों का वोट लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा अब तक केवल झूठा आश्वासन दिया गया। परिणाम स्वरूप आज हजारों की संख्या में लोग झूठे आश्वासन का खामियाजा भुगत रहे हैं। जलमग्न गांवों में जहां एक तरफ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर उत्तराखंड सरकार खर्च कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर अचानक और असीमित पानी भरकर तथा बलपूर्वक कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं पर पानी फेर रही है और गरीब ग्रामीणों को बेघर कर रही है। जा रहा है हमारा यहाँ सब कुछ सरकारी सुविधा मिला है, पाइप भी सरकारी बिछ रहा है। आज ही लास्ट डेट था, हमें उजाड़ने के लिए नोटिस आई थी और आज ही पाइप बिछ रहा है, तो हम क्या इसे समझें? हमारे संग क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे संग इंसाफ करिए आप लोग। सभी शासन प्रशासन नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें समाधान कीजिए। हमारा यहाँ हम कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम हैं यहाँ पे, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या कर दिए हैं कि हमारे संग ऐसा किया जा रहा है? बहुत परेशानी है सर, हम तो नाई से निकल भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, खाने पीने का हर चीज़ के लिए परेशानी हो रहा है। नाव पे जा रहे हैं, नाव पे आ रहे हैं, डर भी लगता है नाव से निकलने से।